जय हिंद एवरीवन। भी कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी को पता है दोस्तों कि अभी अभी एक BSF RORM को लेकर एक और नोटिस जारी किया गया कि RORM की नई वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अब बहुत सारे से लोगों के मन के अंदर बहुत सारे से सवाल उस वैकेंसी को लेकर आ चुके हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो 6 महीने पहले ही हमें BSF RORM की वैकेंसीज़ का एक नोटिफिकेशन देखने को मिला। उस नोटिफिकेशन के बाद उसकी कंप्लीट प्रोसेस भी डन करा दी गई 6 महीने के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो अभी फिलहाल ही में उसकी फाइनल लिस्ट भी जारी की गई है कि किस किस का नाम सिलेक्शन की लिस्ट में आया है। तो उसी के बिहार पर 2023 में फिर से इस वैकेंसी की बात की जा रही है। एक नोटिस भी आ चुका है, जैसा आप ये नोटिस देख पा रहे होंगे मेरे साइड में। अब कई सारे से लोगों के मन के अंदर सवाल है कि ये फर्जी है या ये सही है। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये नोटिस जो आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल सही नोटिस है दोस्तों, ये कोई भी फर्जी नहीं है। और जहां तक रही बात कि ये ऑफिशियल साइट पर क्यों नहीं दिख रहा है, तो ऑफिशियल साइट पर ये आपका 22 तारीख को देखने को मिलेगा। जी हाँ, 22 तारीख को आप 22 अप्रैल को इसको कम्प्लीटली ऑफिशियल साइट पर देख पाएंगे, उसको विजिट कर पाएंगे और क्लियरली अगर मैं बात करूं तो अपने फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे 22 तारीख से ही। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 22 तारीख से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, इसलिए ये अभी आपको ऑफिशियल साइट पर देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ ये प्री नोटिस है, कभी भी जब नोटिफिकेशन आता है तो उससे पहले कई सारी वैकेंसियाँ प्री नोटिफिकेशन जारी करती हैं। तो ये प्री नोटिफिकेशन है जिसमें डिटेल दे दी गई है कि कौन कौन एलिजिबल है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट उस हिसाब से कैरी कर लो जो जो एलिजिबल हो। और बाकी जो कंप्लीट वैकेंसी की डिटेल है, कितनी वैकेंसी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो आपको जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा 22 अप्रैल को तब देखने को मिलेगा। तो परेशान मत हो, ये ओरिजिनल नोटिस है, सही नोटिस है, कुछ अफवाह नहीं है। हाँ, वैकेंसीज आनी है 24 तक, अच्छे से आती रहेंगी, बस आप प्रिपरेशन करते रहो। और 12वीं पास वालों के पास ये सुनहरा मौका है एक बार फिर तैयारी करने का और भारतीय सेना में जाने का। तो मिलते हैं दोस्तों बाकी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें डिफेंस 24/7 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद एवरीवन।